इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा से, जहां पर बीजा मंडल मंदिर को मस्जिद बताने वाले कलेक्टर का तबादला हुआ है। दरअसल बीजा मंडल को मस्जिद लिखने वाले विदिशा कलेक्टर उद्देश कुमार वैद्य मंत्रालय भेजे गए। नाग पंचमी के दिन बीजा मंडल मंदिर में पूजा करने की मांग उठ रही थी, लेकिन कलेक्टर बुद्धेश ने यह कहकर अनुमति नहीं दी कि वो मंदिर नहीं मस्जिद है। अब इस पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। तो बीजा मंडल मंदिर को मस्जिद बताया गया था कलेक्टर बुद्धेश द्वारा। आज देश के किसानों को वैज्ञानिकों के नाम पर दिल्ली में एक प्रोग्राम होने वाला है। पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे भारत कृषि अनुसंधान संस्थान में 61 फसलों की 109 किस्मों का विमोचन करने वाले हैं। इसमें 34 फसलें ऐसी हैं जो किसी खास इलाके में ही उगाई जा सकती हैं। इनमें बाजरा, चारा, तिलहन, दाल और गन्ने से जुड़ी कई सारी वैरायटी की फसलें शामिल होंगी। इन फसलों से जुड़े अलग अलग तरह के बीज को लॉन्च किया जाएगा। देश में बैंकिंग कानूनों में बदलाव की तैयारी की जा रही है। सरकार ने बजट सत्र में इसका ऐलान किया था और अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लोकसभा में भी पेश कर दिया गया है। इस बीच वित्त मंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय निदेशक मंडल के साथ बैठक की, जिसमें इस बिल पर चर्चा हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बैंकिंग के लिए संशोधन अधिनियम लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र में कुछ बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव ग्राहकों के लिए बेहद जरूरी है। हो सकता है कि आज देश के किसी भी राज्य में खतरनाक बरसात न हो, क्योंकि लंबे समय बाद मौसम विभाग ने किसी भी राज्य के लिए कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया। हालांकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल और उत्तराखंड के उत्तर पूर्व और तमाम अलग राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जरूर जारी हुआ है। केरल के कुछ जिलों में बरसात का ऑरेंज अलर्ट है, तो वहीं दिल्ली NCR में कई जगह पर बरसात हुई है। कुछ दिन पहले तक जिस मालदीव्स ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था, अब उसी मालदीव्स में भारत का UPI चलेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 3 दिवसीय मालदीव के दौरे पर इस वक्त वो मौजूद है और उन्होंने मालदीव में ही सभी UPI सेवा शुरू करने की बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और मालदीव के बीच UPI के इस्तेमाल को लेकर एक समझौता हुआ है। इस समझौते से मालदीव के पर्यटन क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट इसका पड़ेगा। वहीं जयशंकर ने कहा कि भारत ने अपने UPI के जरिए डिजिटल लेन देन में क्रांति ला दी है। 15 अगस्त से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी। लगभग हर बीजेपी शासित राज्य में तिरंगे से जुड़े अभियान चल रहे हैं। गुजरात में 11 से 13 अगस्त तक 453 विधानसभाओं में यह अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान में बीजेपी के हर लेवल का कार्यकर्ता शामिल रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश में लगातार तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है।